नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारतीय किसान संघ की तरफ से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया। बीकेएस के मुताबिक इस रैली में देश भर के 560 जिलों के 60,000 ग्राम समितियों के किसान शामिल हो रहे थे। भारतीय किसान संघ का अनुमान है कि इस रैली में 1,00,000 किसानों के पहुंचने में बीएसके के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल ने बताया कि 4 प्रमुख मांगों को लेकर यह रैली आयोजित की गई है, जिसमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्यों को लागू करें और इसके मिलने को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, सभी प्रकार के कृषि पदार्थों पर जीएसटी समाप्त हो। तीसरा, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। चौथा, फसलों की अनुमति वापस ली जाए। राघवेंद्र ने आगे कहा कि इस रैली से पहले पिछले 4 महीनों में बीकेएस की तरफ से देश भर में करीब 20,000 पदयात्राएं, लगभग 13,000 साइकिल रैलियां और 18,000 नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई थी, जिसके बाद आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ये भव्य रैली आयोजित की गई है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी के विरोध में पहली बार सड़क पर उतरे। बर्खास्त कर्मचारियों ने विधानसभा के गेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि 2016 और उसके बाद नियुक्ति कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि उससे पहले के जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनको परमानेंट कर दिया गया। जब उनके लिए जिस नियम का हवाला दिया जा रहा है, जिस भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, उसी तरह पहले भी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, यानी कि कुल मिलाकर बर्खास्त हुई सभी कर्मचारी केवल एक ही बिंदु पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2016 से 2021 तक विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों के चलते 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। सभी कर्मचारी विधानसभा गठन के बाद से अभी तक की हुई सभी भर्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर विधानसभा में पहले 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इनको बर्खास्त किया गया है। बाद में सभी कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए थे और वहां से उनको राहत मिल गई थी, लेकिन पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले को सही मानते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बांदा पहुंची, जिसकी अगुवाई प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने की। यात्रा में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे। साथ ही ये यात्रा शहर के विभिन्न चौराहों से होकर गुजरी, जहां फूल मालाओं के साथ जगह जगह पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसको लेकर अनिल यादव ने कहा कि सभी क्षेत्रों में हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। साथ ही अनिल यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से मैदान में उतरेगी। किस तरह का कार्यक्रम था आज? हमारी भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश की यात्रा है, वो हम यहाँ बांदा से आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कानपुर की स्टार्ट हुई थी 8 तारीख को, आज उसी कड़ी में बांदा में हम उस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लोगों को किस तरह सहयोग मिल रहा है? लोगों में उत्साह है, लोग यात्रा के जो लोग अपनी बात आज की डेट में नहीं कह पा रहे हैं, पीड़ित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, महिलाएँ, तमाम जो मुझे अपनी बात नहीं कहने में समर्थ है, हम यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, उनकी व्यथा को समझ रहे हैं और जनता से सीधा संवाद करके ये यात्रा कहाँ प्रॉब्लम सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को चिन्हित करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर क्या इसका प्रभाव मानते हैं आप लोग? देख रहे हैं हम राहुल जी के साथ जो अपार भीड़ है। हरदोई में भारत सेवा संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक बजपेयी ने जेल में 500 बंदियों को कंबल बांटे। इसके साथ ही उन्होंने महिला बंदियों, उनके बच्चों को भी कंबल देकर उनका हालचाल पूछा। साथ ही महिला बंदियों के हाथों मिट्टी से बनाई गई उनकी कलाकारी को सराहा है। सांसद डॉक्टर बजपेयी ने जिला जेल पहुंचकर वहां के बंदियों के बारे में जानकारी ली। इस बीच बंदियों ने कभी भी अपराध न करने का संकल्प लिया। सांसद ने महिला बंदियों के हाथों बनाए गए मिट्टी के बर्तनों को देखा। उन्होंने उनके बच्चों को दुलार भी किया। सांसद डॉक्टर बजपेयी ने जेल प्रशासन को इस बात की हिदायत दी कि बंदियों के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, साथ ही उन्हें सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं मुहैया भी कराई जाए। इस दौरान जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र, जेलर संजय कुमार सिंह, उप जेलर ओम प्रकाश, ओमकार पांडे भी मौजूद रहे। हरदोई में माननीय सांसद श्री अशोक बाजपेयी जी के द्वारा, जो कि भारत सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं, कंबल वितरण का कार्यक्रम था बंदियों के लिए।
इस कार्यक्रम में बंदियों के कल्याण की और बातें हुई, बंदियों से अपराध से मुक्त होने की चर्चा हुई, 500 कंबल वितरण किए गए, महिलाओं के साथ जो बच्चे थे उनको जाड़े के ड्रेस वितरित किए गए, उनको खाने के भी सामान वितरित किए गए और माननीय सांसद महोदय द्वारा बंदियों से बातचीत करके और जेल में आज हमारे बंदी भाई बहनों से मिलने का ये कार्यक्रम था और आज शीतकाल प्रारंभ हो गया है। भारत सेवा संस्थान की ओर से 500 कंबल की व्यवस्था की गई थी, उन कंबल वितरण का कार्यक्रम था और जेल में लोगों में कैसा सोच कैसा परिवर्तन आ रहा है वो सबको यहाँ के कैदियों से बंदियों से मिल करके उसका एक अनुभव करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि हरदोई जिला कारागार के अधीक्षक महोदय द्वारा जो यहाँ सुधार का प्रयास किया जा रहा है उसका एक बड़ा परिवर्तन यहाँ के बंदियों में दिखाई पड़ा। बलरामपुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पिछले दो दिनों में पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए, साथ ही 2 थाना क्षेत्रों से 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना रेहरा बाजार में एक अभियुक्त को 20 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा, वहीं हरैया सतघरवा थाना में 30 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। बस्ती सदर तहसील के बढ़नी गांव में नहर कटने की वजह से आधा दर्जन गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे सैकड़ों बीघा खड़ी फसल जलमग्न हो गई। नहर कटने की वजह से बड़े पैमाने पर गन्ना गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह से जलमग्न है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। अचानक खेतों में पानी भरने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। नहर में कटान की वजह से बढ़नी, तिलकपुर, विघोरा समेत आधा दर्जन गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि नहरों की कभी सफाई नहीं की जाती, इस साल नहर कटती है और किसानों की बड़े पैमाने पर खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और जैसा इस साल हुआ है ऐसा ही हर बार होता है। किसानों ने आरोप ये भी लगाया है कि जे से नहर के कटने की शिकायत की गई तो जे ने कहा कि नहर साफ करने के लिए सरकार पैसा नहीं देती, आप लोग पैसा दीजिए तब नहर साफ कराई जाएगी। वहीं जब जे आए तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि पहले बोरे दीजिए, पैसा दीजिए तब मिट्टी की बोरी से भरकर कटान रोकी जाएगी। वही मामले को लेकर डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि कुछ किसानों द्वारा नहर से सिंचाई की गई थी जिसकी वजह से नहर कट गई है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है जल्द से जल्द नहर को ठीक कराया जाएगा, जिन भी किसानों को नुकसान हुआ है नियमानुसार उनको क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। नहर कट गया था, पानी कुल भरत है, जे रुपया मांगा थी, कहते सफाओ रुपया सरकार ना दे तो हरे लोन दो तब सफाई, जे सबसे हरामी बाय। ओकरे बाद में जौन है पूरा जलमग्न हो गया, 100 बीघा ले गेहूँ, ओकरे बाद 25-30 बीघा गन्ना सब नहर कट के बर्बाद हो गया बाय। और जे सुनत ना जब आवत है पैसा मांगत है, आज बोरा मांगत रहा, कहे बोरा दे दो गांव वाले तब पटवाई, बोरा भराई तब पटवाई, अभी कही सब आप मांगत बर बोरा और रुपया मांगत है, यह सब समस्या है। कहना परेशान है मनोज कुमार मिश्रा राम दुलारे ग्राम बढ़नी पुरवा, जिसे 100-150 बीघा जो है खेत जलमग्न हो गया है, जिसमें कि सब लोग गेहूं बोए थे, गन्ना था, सरसों था, पूरी फसल डूब गई है और कभी नहर की सफाई नहीं होती है, ये 2-3 बार हो चुका है। कब कटा है? रात को ही कटा है, रात को क्या दोपहर को ही कल कटा है, दोपहर 2:30 बजे। देखिए अभी संज्ञान में आया है कि कुछ किसानों द्वारा अपनी सिंचाई की भूल कर दी गई थी जिसके कारण नहर कट गई है और कुछ किसानों के खेत में जलमग्न की स्थिति हुई है, तो उसको शीघ्र ही सही करवाकर कार्रवाई की जाए। हम जो भी किसानों का नुकसान हुआ क्या इसलिए क्षतिपूर्ति वगैरह की भी, हाँ, इसको सर्वे करवाकर जो भी नियमानुसार प्रावधान होंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाए। और अब खबर उन्नाव से, जहां सफीपुर में एक प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल का शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाते वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने से विभाग में हड़कंप मच गया।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पूर्व राज्य मंत्री ने संज्ञान लेकर बीएसए को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बीएसए ने प्रथम दृष्टया प्रधान शिक्षक को निलंबित कर खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी है। उन्नाव के सफीपुर में शिक्षा विभाग की कार्यशैली सुर्खियां बटोर रही है। विगत दिनों खंड शिक्षा अधिकारी अनिता शाह पर अग्निशमन यंत्र में रिफिलिंग कराने में कन्नौज के एक फार्म को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने के आरोपों की जांच चल रही है। वहीं सफीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवगांव के मजरा मधुखेड़ कन्या प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक कृष्ण गोपाल का शराब पीकर विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो कब का है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ग्राम प्रधान शालिनी गौड़ ने बताया कि प्रधान शिक्षक प्रतिदिन शराब पीकर स्कूल आते हैं, जिसकी शिकायत पहले भी खंड शिक्षा अधिकारी से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार को शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाते समय किसी ग्रामीण ने वीडियो बना लिया और रविवार को वायरल कर दिया। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर बीएसए संजय तिवारी को नशेबाज शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई के कड़े निर्देश दे दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद अब्बास मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्बास, शराबी प्रिंसिपल जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है और जो आरोप लग रहे हैं प्रिंसिपल पर वो सही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये सफीपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि शिक्षक लगातार कई दिनों से ये अपना शराब नशा करके ये स्कूल आते थे और बच्चों के बीच में बैठते थे, जिससे बच्चों का जो एक पढ़ाई है उसमें असर पड़ रहा था। इसकी शिकायत भी वहाँ जो शिक्षक है उन लोगों ने कई बार सब उच्च अधिकारियों से की थी, मगर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये जो वहाँ कोई किसी क्षेत्रीय लोग ने जो वहाँ का वीडियो जो पी के आया था, जो प्रिंसिपल था, उसका बना लिया वीडियो और ये वायरल करा। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये बीएसए के संज्ञान में आया और बीएसए ने इसके लिए संज्ञान में लेकर के जो इसको तत्काल निलंबित करके आगे की कार्रवाई की गई। ठीक है, निलंबन तो हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि उन्नाव में कई ऐसे स्कूल हैं जहां से शिक्षक के तमाम वीडियो वायरल होते हैं, तो ऐसे में आखिर जो शिक्षा विभाग है वो किस तरीके से काम कर रहा है? कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ताकि एक लेसन मिले इन शिक्षकों को, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, इन्हें अभी पाठ पढ़ाने की जरूरत है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ लगातार जो ऐसे वीडियो है शिक्षक के वो सामने आते रहे हैं, जो कभी शिक्षक की कुछ गलत हरकत, कभी शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाना, ये अक्सर ऐसे वीडियो आते रहे सामने और इस पर जो कार्रवाई है वो नहीं होना, यही इसमें ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई टाइम पे नहीं होती है। जो इस तरह के जो वीडियो है वो आते हैं, लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जो बच्चों में इससे का गलत असर जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बात शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस स्कूल का, ये प्रिंसिपल शराब के नशे में धुत है और बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गया है। हालांकि निलंबन की कार्रवाई हो गई है, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आए दिन उत्तर प्रदेश से सामने आते रहते हैं। यूपी के टॉप 10 माफिया सूची में शामिल पूर्व सांसद रिजवान जहीर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जिले में माफिया और पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ दर्ज मुकदमों की पैरवी के लिए अलग से सेल बनाया गया है। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम दर्ज मुकदमों की प्रतिदिन समीक्षा करेगी, बाद में SP को रिपोर्ट देगी, साथ ही गवाहों के संवाद करके स्थापित करने के लिए उनसे समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल से मिले निर्देश के बाद नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक निम्रता श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ दर्ज मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है, इनकी पैरवी के लिए विशेष सेल बनाया गया है। सेल के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वादी मुकदमा और गवाह से समन्वय रखें, निर्धारित समय पर उनकी गवाही कराएं। उन्होंने बताया कि रिजवान जहीर के खिलाफ वर्तमान में 6 मुकदमे विचाराधीन हैं। ASP नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि रिजवान जहीर प्रदेश स्तरीय माफिया की सूची में है। हम आपको बता दें कि रिजवान जहीर तुलसीपुर में हुए फिरोज पप्पू हत्याकांड के बाद से जेल में बंद है। कई बार बेल के लिए प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। कासगंज के सोरो कोतवाली पुलिस ने बिक्री को जा रहे 70 क्विंटल सरकारी चावल से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को चालक सहित हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने जब इस मामले में जानकारी ली तो पता चला कि एक तथाकथित भाजपा नेता संजीव उर्फ संजू गुप्ता राशन डीलरों से गरीबों को वितरण करने वाले चावल को मोटी रकम में खरीदकर बदायूं की उझानी की मंडी में बेचता था। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जब सरकारी चावल बिक्री के लिए बदायूं की उझानी मंडी में जा रहा था, तभी सोरो कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाकर उसे चेक किया तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें 70 क्विंटल सरकारी चावल भरा था। पुलिस चालक सहित ट्रैक्टर ट्रॉली को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई, जहां सोरो कोतवाली प्रभारी गोविंद वल्लभ शर्मा ने इसकी सूचना कासगंज सदर SDM पंकज यादव को दी, जिसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर रामशरण और बड़े बाबू धर्मेंद्र सोरो कोतवाली में मौके पर पहुंचे और चावल मालिक तथा कथित भाजपा नेता संजीव के खिलाफ राशन चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो है तो सरकारी चावल। अरे भैया, अरे राशन के क्या कहते हैं दुकान पे ले फड़पत्ता हूँ, गल्ले का व्यापार करते हैं। कितो है? अरे का वो 15 क्विंटल का, 10 क्विंटल का, 25 क्विंटल है। तो मतलब तो कोई डीलर ही होगा? डीलर कोई नहीं, तू है जी देता क्या है? किसान फल उड़ाता है। किसान फल उड़ाता है? फलू हाँ। तो किसान पे तो रात कहाँ से आ जाता चावल? अरे ये दुकान है, दुकानों में मतलब दुकान पे तो हिट्टे होते रहते हैं। जब हिट्टे आया तो 25-40 क्विंटल ले आता, तो मंडी बेचे आप बताएंगे। वहीं मैनपुरी में एक शराबी ट्रांसमिशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया। मामले की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जल्दी जल्दी में लोगों ने फोन कर बिजली की लाइन को कटवाया। वहीं घंटों तक शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस युवक को नीचे उतारने की जद्दोजहद करती रही। युवक के नीचे उतरने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस ने युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामला बेपर थाना क्षेत्र के ग्राम तिलियानी का बताया जा रहा है। वहीं हाथरस में कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया, जहां सिकंदराव एटा जीटी रोड पर मंडी के पास घने कोहरे की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए। मौके पर जुटे राहगीरों और इलाका पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी रही। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से गाड़ियां पहले से दुर्घटनाग्रस्त खड़ी गाड़ियों से टकराती गई, जिससे ये हादसा हुआ है। वहीं सहारनपुर में नागल क्षेत्र के गांव खजूरवाला के निकट तेज गति से आ रही अनियंत्रित कार से भैंसा बुग्गी और टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 6 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कासगंज में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां 12 घंटे के भीतर दूसरा सड़क हादसा हो गया, जिसमें अज्ञात वाहन ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो चालक और टेम्पो में बैठी एक युवती सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही SDM और CO पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हादसा सहावर थाना क्षेत्र के गाँव फरौली के समीप का बताया जा रहा है। वहीं कासगंज में ही बीती रात सड़क हादसे में घायल हुए तीसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से अनियंत्रित बुलेरो कार पुल की रेलिंग तोड़कर नहर में जा गिरी थी। कार में सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं घायल हुए दामोदर की अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 लोगों की मौत की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सभी मृतक हाथरस के सिकंदराबाऊ कोतवाली क्षेत्र के गाँव नोजलपुर के रहने वाले हैं। मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के मड़िया के निकट पेट्रोल पंप के सामने बाइक और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
वहीं श्रावस्ती के गिलौला क्षेत्र के गुटहुरू गांव में ईंट से कुचलकर महिला की निशुल्क हत्या कर दी गई। सुबह घटना की जानकारी होने के बाद एसपी अरविंद कुमार मौर्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटा लिए हैं। मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों को लगाया गया। आपको बता दें कि श्रावस्ती के भीनगा क्षेत्र के पटना खरगौरा गांव निवासी शशि की शादी लगभग 6 महीने पहले गिलौरा क्षेत्र के गुटहुर निवासी निरंकार के साथ हुई थी। रविवार की शाम निरंकार चौकीदारी करने के लिए गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर वहां गया था और पिता रामुदार गांव में दूसरे घर पर थे। रात में अज्ञात लोग घर में आए और शशि की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। सुबह सूचना मायके वालों को दी गई। वहीं मामले की सूचना पर एसपी अरुण कुमार मौर्य, सीओ एसपी शर्मा, थानाध्यक्ष अखिलेश पांडे टीम के साथ पहुंचे। साक्ष्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम मौके पर जुटी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सूर्यप्रकाश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? वाकई महिला की हत्या की गई है या आत्महत्या है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद श्रावस्ती के गिरवा थाना क्षेत्र के बिकोरी गांव की घटना है, जहाँ पे ईंट से कुचल कर महिला की उसके चेहरे पर और उससे कुचल कर ईंट से बाकायदा उसे प्रहार किया गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है और घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में मुख्य की सूचना पाकर झारखंड जिले के एस पी कप्तान अरविंद कुमार मौर्य अपने टीम के साथ पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने भी तमाम चीजों का साक्ष्य इकट्ठा करके मामले की खुलासा करने के लिए 3 टीमों को भी लगाया गया और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही इस मामले के खुलासा कर दिया जाएगा और जो भी गिरफ्तार होंगे, जो भी आरोपी होंगे। सूर्यप्रकाश, क्या अब तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी तक तो मामले की जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उस साक्ष्य के आधार पर सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। जो भी साक्ष्य के आधार पर जो भी दोषी होंगे या जो ग्रुप इस तरीके का हाथ लेगा पुलिस को, तो जरूरी की निश्चित कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सूर्यप्रकाश तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। तो श्रावस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई है, लेकिन फिलहाल अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। वहीं बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। गोली लगने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात जंगल की रखवाली करने के दौरान हुई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं किसान की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला थाना कोतवाली देहात के रहमपुर जंगल का बताया जा रहा है। वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन चौकी में एक 26 वर्षीय महिला संगीता किराए के मकान में अपने 8 साल के बेटे के साथ रहती थी। रविवार की देर रात महिला ने पंखे से लटक कर जान दे दी। देर रात जब बच्चे की आंख खुली तो उसने ये माजरा देखा और मकान मालिक के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। मकान मालिक ने कमरे में महिला का शव देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। देर रात्रि एक महिला के द्वारा नारसन चौकी क्षेत्र अंतर्गत आत्महत्या किए जाने की बात उसके मकान मालिक के द्वारा चौकी पर बताई गई। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर मंगलौर मौके पर गए थे। शव को उतारा गया और पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, किस कारण से ये पूरी चीज़ें घटित हुई हैं, क्यों आत्महत्या की और उनके परिवारजनों का क्या कहना है इस संबंध में, ये सारी जानकारी की जा रही है। साथ ही तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोबाइल से कोई फोटो और कॉल कर कुछ प्रकरण सामने आया, ऐसा कुछ मामला है सर? अभी इस संबंध में दिखवा रहे हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत होता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।